पन्ना जिले में लड़की के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपराधियों ने अपहरण में पुलिस को ही शिकार बनाया, डायल 100 वाहन लूटा, उसके बाद उसी पुलिस वाहन से युवती के घर जाकर उसका अपहरण कर फरार हो गए। गाड़ी को बुलाया गया था, जिसमें हमारे पुलिस के एक एपीसी साहब और एक हवलदार साहब और ड्राइवर समेत तो गाड़ी रवाना हुआ। तो जब गाड़ी महेवा चौकी में हिनौता के पास में पहुंचे तो एक व्यक्ति दारू पी के पड़ा हुआ करके दिख रहा था। तो उनको अटेंड करने के लिए जो दोनों हमारे पुलिस के स्टाफ हैं वो गए हैं। तो उन लोगों ने जो नीचे खड़ा था, लेटा था, उसने कट्टा दिखाया और चार लोग आ गए। टोटल पांच लोग मिलके ये दोनों हमारे स्टाफ को बंदी बना लिया और FRV की गाड़ी लेके गया। और FRV की गाड़ी का उपयोग करते हुए उन्होंने एक लड़की की अपहरण किया है और वापस FRV की गाड़ी को और स्टाफ को छोड़ दिया और अपने गाड़ी से वो लड़की को लेके रवाना हो गया। सर, लड़की कहाँ की बताई जा रही है? सर, तो उसी गांव की, महेवा में एक गांव की बताई जा रही है। अब पुलिस उसमें जांच में जुड़ी है। ये सर, ये डायल 100 को कितने घंटे तक वो अपहृत किए रहे हैं? सर, वो अपने कब्जे में लिए रहे हैं बदमाश? देखिए, 12:30 बजे करीब डायल 100 स्पॉट पे पहुंचे थे, तो लगभग 1.25 घंटे उनको उनने गाड़ी लेके गया और लड़की का अपहरण करके वापस गाड़ी और आदमी को छोड़ के चला गया। सर, क्या इसमें मालूम चला है कि कौन थे ये बदमाश जो है जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया? एक आरोपी का नाम आ रहा है जो आदतन अपराधी है। पुलिस अभी उसमें जांच में जुड़े हैं, अभी हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो इस मामले में सर कब तक खुलासा होने की उम्मीद है? लड़की सुरक्षित है क्या, कैसा कुछ इस मामले में? देखिए, पुलिस को कुछ सुराग मिल चुका है, हमारे दो टीम इसमें भी काम कर रहे हैं वर्तमान में, तो हम लोग उसमें जल्दी से जल्दी इसकी निकाल करने की कोशिश। सर, कब का घटनाक्रम है? सर, कल रात की घटनाक्रम है, रात को 1 बजे करीब। जी सर, थैंक यू। घटना विगत रात्रि की है, जहां पहले तो 3 अपराधियों ने डायल 100 को फोन कर बुलाया, फिर कट्टा दिखाकर उनसे गाड़ी व वर्दी दोनों छीन ली और घटना को अंजाम दिया। 18 वर्षीय युवती अभी भी अपराधियों के चंगुल में है और अपराधी फरार है। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी है। बहरहाल 12:30 के बाद में मालूम 100 नंबर गई यहाँ से पुलिस की गाड़ी। रात में 12 बजे आपके यहाँ 100 नंबर गाड़ी पहुंची, ठीक है? क्या हुआ वहाँ पे, कैसे पुलिस से आपकी बात हुई, कैसे दरवाजे खुलवाए गए? तो वहाँ जाकर के उन्होंने किबारक खबराई हमारा गेट, तो मैं पड़ा था वहीं, तो मैंने उठ के देखा तो 100 नंबर गाड़ी खड़ी थी। छत पे चढ़ा मैं मानों और देखा मैंने कि के आदमी क्या कैसे हैं, कौन सी गाड़ी है, तो 100 नंबर गाड़ी। फिर मैं खाने आया, फिर मैं घर के आदमी को उठाया और फिर बात करी मानो कहाँ लगी कि TI साहब ने भेजा है मान लो, तुम फोन लगा दी थी वो 100 नंबर को ऊपर रहते हो, अच्छा इसलिए किवाड़ खोलो, TI साहब ने बुलाया, चल। तो मैंने कहा सब सुबह ही आऊंगा, कान लगे नहीं ऐसा नहीं होता है। तो हमने कहा साहब हमारे नंबर देख लो, हमने किसी को फोन ही नहीं लगाया है, न हमारे नंबर में से फोन गया है, हम सुबह आएंगे। कान लगे नहीं अभी चलना है, कोई या नहीं बच्ची से बात करा। तो मैंने बच्ची से बुला करके मान लू, कहा कि ठीक है साहब कर लो बात, पूछ लो। कान लगे नहीं पूछना नहीं है तुम तो चलो। तो TI साहब ने बुलाया है, तो वहीं कुछ कहना है तो कह दो, फिर भी परेशान करते हो। तो बस मानो जब भी नहीं माने यहाँ, तो फिर मैंने अपने भाई को बुला करके मान लू, कहा कि भाई चलो जो कुछ बात है मानो तो TI साहब से बताया है। तो फिर वहां से मान लो हम दो जाने, दो भाई बच्ची बैठे, तो बस चले आए। तो मानो उन्हें 1 किलोमीटर दूर उतारू है और उतर करके गाड़ी रोका करके बताओ तो कट्टा तो कहा लगे उधर, और बस हमें उतार के खाने करो, चिल्लानी है तो कहाँ लगे मानो कट्टा से जाके कहाँ लगे बैठे, और बस मानो करी खिड़की बंद हो ले गए गाड़ी। मैं बच्ची को ले गए? जी सर। जी सर, कितनी उम्र थी बच्ची की? बच्ची की उम्र थी 18 साल। अच्छा, अभी दिसंबर में पूरी 18। कितने आरोपी पहचान की है, कौन थे वो लोग? हाँ, पहचान की है सर, विनोदा का ठाकुर देवराज सिंह था, उसने कट्टा बताया है। घटना के वक्त कितने लोग थे उसमें? उसमें मानो सर हम 3 जने थे बच्ची शहर। नहीं नहीं, जो आपकी बच्ची को लेने आए थे कितने? मेरी 3 थे। 3 लोग। क्या नकाब चेहरा बांधे हुए? हाँ, चेहरा बांधे नहीं, पुलिस की मानो वर्दी पहन रहे थे। पुलिस अभी क्या कार्रवाई कर रही है? अब पुलिस कार्रवाई कर रही थी, पुलिस जाने हमें कम। आप क्या चाहते हो? आप कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई चाहते सर। क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं कि मानो मुलजिम चाहिए हमें वो बच्ची। अच्छा, बच्ची मिले या जिंदा?
पन्ना से विकास सेन की रिपोर्ट, SCN न्यूज़।